तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बुरा समय अगर चल रहा है तो सब्र करो, और अगर अच्छा समय चल रहा है तो शुक्र करो। फिर उसी प्रकार जीवन में कुछ तीन बातें हैं जो हो सकता है अगर आप सुन लें तो आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। दोस्तों ये कहानी है एक राजा की, जिसके राज्य में बहुत सारे वृक्ष हैं, बड़े घने घने और सुंदर वृक्ष हैं, जिसको उन्होंने देखभाल करने के लिए माली रखा हुआ है। पर वो माली तीन चार दिनों से कुछ परेशान है, क्योंकि उसके वृक्ष कोई पक्षी रोज आता है और उनके फल खाता है, और फल खाकर जो मीठे फल होते हैं वो खा लेता है, और जो खराब फल होते हैं उनको जमीन पर फेंक देता है। एक तरह से वृक्षों को तहस नहस कर देता है। तो वो जाता अपने राजा के पास, बोलता है कि राजा साहब, मैं तो उस पक्षी को पकड़ नहीं पा रहा हूँ और वो हमारे राज्य के सारे वृक्षों को खराब कर देगा, आप ही आइए, आप ही कुछ कीजिए। तो राजा बोलता है मैं पकड़ूंगा, तुम चिंता करो। तो राजा जाता है और उन वृक्षों के बीच जाके छिप जाता है। जैसे वो पक्षी आता है तो राजा उनको हाथों से पकड़ लेते हैं, उनको मारने वाले होते हैं। तो पक्षी बोलता है कि हे राजा मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो राजा सोचता है हे राजा मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें तीन राज्य की बात बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पलट जाएगा, और हो सकता है कि तुम आगे दुनिया के भी राजा बन जाओ। तो राजा सुनने के लिए बड़ा बेचैन हो जाता है, और राजा बोलता है चलो ठीक है बताओ। तो पहली बार बोलता है कि कभी भी अपने हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ना। दूसरी बार वो बोलता है कभी भी किसी भी असंभव बातों पर भरोसा मत करना। और तीसरी बार बोलने से पहले बोलता है कि राजन मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा हल्का सा छोड़ोगे, रिलैक्स कर दोगे, थोड़ा सा हल्का सा कम पकड़ोगे, धीरे पकड़ोगे, ज़्यादा जोर, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा जोर से नहीं पकड़ोगे तो मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ। तो जैसे ही राजा उसको थोड़ा सा धीरे से पकड़ते हैं, अपनी मुट्ठी खोलते हैं, वैसे ही वो चिड़िया उड़ जाती है और दूसरे पेड़ पर जाके बैठ जाती है। तो दोस्तों फिर बाद में होता क्या है कि वो चिड़िया राजा से बोलती है कि राजा राजा साहब आपको पता है कि मेरे पेट में दो हीरे थे, अगर आप मुझे पकड़े होते तो शायद वो हीरे आपको मिल जाते। राजा उस बात को लेकर पश्चाताप करने लगता है और दुखी हो जाता है। और तब राजा दुखी होकर उस पक्षी से बोलता है चलो ठीक है अब तो तुम मुड़ ही गए हो, तो वो तीसरी बात ही बता दो। तीसरी बार वो पक्षी बोलता है कि राजा साहब कभी भी किसी चीज़ के लिए पश्चाताप मत करो। राजा बोलता है ये तुमने जो भी बोला मैं इसके लिए मैं इन चीज़ों को मानते ही नहीं हूँ, ये चीज़ें कभी होती नहीं है। सो पक्षी बोलता है राजा साहब पहली बात मैंने आपको बोला कभी भी अपने हाथ से शत्रु को जाने ना दो, आपने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं निकल गया। दूसरी बात मैंने आपसे बोला कि कभी भी किसी असंभव वस्तुओं पर, कभी भी किसी असंभव चीजों पर भरोसा मत करो। मैंने आपसे बोला कि मेरे पेट में एक दो हीरे हैं, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि चिड़िया के छोटे से पेट में दो हीरे कैसे आ सकते हैं, और आपने उस बात को मान लिया। और तीसरी बात और आपने वो ये सोच के कि आपके हाथ से वो हीरे निकल चुके हैं क्योंकि मैं उड़ गया था, उसके बाद आप पश्चाताप में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप ये सोच के कि भविष्य में क्या करना है अब अपना समय ये वेस्ट कर रहे हो, तब भूतकाल में आपने क्या किया था। सो दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं ये उन राजा को नहीं, ये हमको आपको और इस वीडियो के थ्रू सारे मेरे भाइयों को बताई गई है, इस दुनिया को बताया है कि अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जो भी हमारे साथ हुआ है उसको भूल जाइए, अपने आने वाले समय को बनाइए, वर्तमान में रहिए। दोस्तों वर्तमान में अगर मेहनत करोगे तो कल बनेगा, पुराने कल से कोई लेना देना नहीं। अगर हम पुराने कल में पड़े रहेंगे और पश्चाताप की आग में जलते रहेंगे कि काश हमारे साथ ये हो जाता तो ऐसा होता, काश वो हो जाता वैसा हो जाता, उससे आपका समय ही वेस्ट होगा और दुनिया आगे निकल जाएगी। आप सच बताओ तो दुनिया इतनी तेजी गति से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और आप पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपको कामयाब होना है जीवन में तो पुरानी चीज़ों को छोड़िए, नई चीज़ को अपनाइए और वर्तमान में रहिए और अपना भविष्य बनाइए। एसर डिल को हम इस वीडियो के थ्रू यही संदेश देना चाहता है कि आप सभी लोग अपने भविष्य को बनाने में अपने दिनों रात एक कर दें। आशा करता हूँ कि आपका सपना एक नए दिन जरूर पूरा होगा। एसर डिल को हम दिनों का हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे इसी तरह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।